आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं हूं हनान फातिमा। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस न्यूज चैनल पर। बीटीएस न्यूज चैनल इंडिया की हर सच खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, जहां इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन द्वारा कमजोर लड़कियों को और बच्चों को मार्शल आर्ट, कुंफू, जूडो, कराटे सिखाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं सबा खान। देश में जिस तरह से आए दिन छेड़छाड़, बलात्कार, ई मर्डर, ऐसे तमाम घटनाएं जिससे बच्चों में दहशत पैदा करती हैं, ऐसी बच्चियों को इस फाउंडेशन द्वारा आत्मनिर्भर बनने का हौसला मिलता है और अपनी रक्षा खुद कर सकें, इस तरह इन्हें ट्रेन किया जाता है। मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा सिर्फ एक नारा ही रह गया। आपको बताते चलें कि आज भी हिंदुस्तान में ऐसी महिलाएं हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मददगार साबित होती हैं। ऐसी ही महिला की बात कर रहे हैं जो इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन चलाती हैं। फाउंडेशन की डायरेक्टर सबा खान का कहना है कि हमारे इस मुहिम में हमें आशा है कि सरकार हमारे फाउंडेशन की मदद करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें और बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने का जो हमने संकल्प लिया है उसको पूरा कर सकें। सबा खान अपने बच्चों को स्टेट लेवल के मैचों में भी पार्टिसिपेट करा कर उन बच्चों का हौसला बुलंद करती हैं। ये जो आजकल सुर्खियों में आफ्ताब नाम का केस चल रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, आफ्ताब के बारे में जो सुर्खियां चल रही हैं, मैं इसके बारे में ये कहना चाहूंगी कि आफ्ताब एक मुजरिम है और सुर्खियां शायद इसलिए बन गई है क्योंकि उसका नाम मुस्लिम जैसा है, क्योंकि ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती है। क्योंकि आफ्ताब के बाद ही देखिए, रोहित को देख लीजिए, जो सलमा को न बोलिए उसकी जिगर में उतार दिया हमारा। उसके बाद पीटी शर्मा को देख लीजिए, जिसने फिरोज को मारा और मार कर रखा था काट कर। तो मेरा कहना है कि उन सब की वो सब बातें क्यों नहीं इतनी हाईलाइट हुई? अगर हम श्रद्धा के लिए सिंपैथी रखते हैं, हमदर्दी है हमारे लिए, तो क्या हमारे लिए हमदर्दी फिरोज के लिए नहीं है? क्या हमारे लिए हमदर्दी शर्मा के लिए नहीं है? अगर सिर्फ हम हमदर्दी श्रद्धा या हम देखते हैं सिर्फ आफ्ताब को लेकर चलते हैं, तो ये एक तरह से एक तरफा जातिवाद हो रहा है। अगर हम क्राइम की नज़र से देखते तो शायद सिर्फ आफ्ताब ने रोहित और प्रीति शर्मा को भी एक जैसी सजा की डिमांड करते और उनके लिए भी हम यही बात करते। लेकिन बात यहाँ आफ्ताब की जो आ रही है, तो आफ्ताब की बात को लेकर एक मुद्दा मुस्लिम बनाया जा रहा है, जैसे मुस्लिम को तो कोई मौका चाहिए लोगों को टारगेट करने, कभी टोपी के नाम पर, कभी अजान के नाम पर, कभी गाली के नाम पर एक टारगेट करने का मौका। लेकिन अफसोस कि मुस्लिम जो हैं वो आफ्ताब क्या अब्दुल भी कोई भी होता, अगर वो आफ्ताब मुस्लिम भी होता तो उसके लिए वही सजा मांगते जो कातिल के लिए होती है। क्योंकि हमारे कौम में मुस्लिम में गुनहगार को बचाना और ऐसा कुछ भी नहीं है। और आफ्ताब की रही बात, आफ्ताब पूनावाला एक पारसी है, हिंदू परिवार से बिलोंग करता है, वो एक मुस्लिम नहीं है। अब जी, ये सब जो घटनाएं हो रही है इसके पीछे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, इस पर आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मैं ये कहूँगी कि अगर वो नाबालिग होती तो मैं मान सकती थी क्योंकि वो बालिग है। अगर सोशल मीडिया नहीं भी होती तो फिर भी उनका एक तरह संविधान के तौर पर बालिग होने का अधिकार था रहना, क्योंकि सोशल मीडिया का देखा जाएगा वो नाबालिग होते तो सोशल मीडिया एक आज के वक्त में बहुत ही गंदी वाहियात चीज़ हो चुकी है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई रूल्स रह नहीं गया। पहले होता था कि अगर हम कोई जरा भी गलत चीज़ें होती थी तो हम देखते थे कि ये एडल्ट लोगों के लिए है, इससे 18 साल से कम लोग की उम्र के लोग ना देखें, और एक मर्यादा की मर्यादा होती थी। बट आज के वक्त में 4 साल के 5 साल के बच्चे भी अगर कोई सोशल मीडिया पर खोलेंगे कोई लिंक है तो वो चाहे 50 साल की एज का हो, वो 5 साल के बच्चे वो चीज़ें देख ले रहे हैं। वल्गर चीज़ें जो हैं, अश्लील चीज़ें जो हैं, वो बच्चे वक्त से पहले जो अपने जवान महसूस कर रहे हैं और घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सोशल मीडिया पर जैसे आपने बात की अभी जो श्रद्धा की, और तो हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी जो श्रद्धा है, सोशल मीडिया से इनकी प्यार मोहब्बत हुई तो अजनबी तो कहीं पर भी मिल सकते हैं। आप भी चलते रास्ते में, चलते ट्रेन में भी स्ट्रेंज अजनबी मिलते हैं, लेकिन हमको चाहिए कि हम किसी भी अजनबी पर भरोसा ना करें, सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे कहीं भी पड़ोस में हो, रास्ते में हो, कहीं पर भी हमारे मिल जाए जो अजनबी हो, तो हमको चाहिए कि हम पहले जानें और समझें फिर हम आगे कदम बढ़ाएं। और यही जो घटनाएं जो बढ़ रही है सोशल मीडिया से,
तो मैं तो कहूंगी कि सोशल मीडिया से आप दोस्ती ना करें, क्योंकि बहुत से फेक आईडी है और बहुत से जालसाज फेक हैं। हमारे जो सगे संबंधित रिलेशन वाले तो अपने हो नहीं रहे हैं, धोखाधड़ी कर ले रहे हैं, तो सोशल मीडिया का अनजान शख्स कैसे अपना हो सकता है। और लड़कियों को चाहिए कि वो अपने घर वालों को समझे, उनकी बातों को माने, पेरेंट्स को, पेरेंट्स भाई से बढ़कर कोई अपना नहीं होता है। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि सिर्फ आपका की गलती नहीं है, श्रद्धा और आपका दोनों बराबर के हकदार हैं, क्योंकि श्रद्धा आपताब तो घर से उठाकर लेकर नहीं गया था, श्रद्धा के पेरेंट्स ने भी मना किया था, लेकिन श्रद्धा अपनी मर्जी से गई थी, तो कहीं ना कहीं गलती दोनों के बराबर है। और माता पिता के जो लड़कियां बात नहीं मानती हैं और माहौल खराब चल रहा है, ऐसे दौर से तो गुजरना पड़ रहा है, और गुजरना हो सकता है, नहीं भरोसा नहीं किया जा सकता है। अपने देश में जो कानून पास हुआ है लोगों को साथ में रहने का, तो ये क्या ये श्रद्धा और आफताब पूना वाला जो है साथ में शादीशुदा रह रहे थे कि ऐसे ही रह रहे थे? देखिए, ये तो आज हमारे जो देश में बहुत शर्मनाक एक जो लॉ बनाया गया है, और मैं बहुत बहुत क्या बोलूँ कि बहुत गिरा हुआ कानून जिसने पास किया है, जो सिस्टम हमारा है, बिलीव इन रिलेशनशिप। तो आफ्ताब और श्रद्धा भी लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे बिना शादी के, और जो हमारे सिस्टम ने जो इस लॉ को बनाया है बहुत वाहियात है। इस सिस्टम से बहुत लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं, बहुत लोग शादीशुदा होकर भी बाहर लिव इन रिलेशनशिप अदर में रह रहे हैं। और हमारे देश में ये जो कल्चर है, एक रस्म है, रिवाज है, शादी है, और जब शादी में जो श्रद्धा होती है, निभाने की होती है, ताकत होती है, एक डोर होती है, बंधन, उसको कमजोर किया जा रहा है। क्योंकि जो एक फिजिकल रिलेशनशिप जो होता था, जो शादी के बाद एक दूसरे के साथ मियां बीबी का जो रिश्ता होता था, वो बिना शादी के आप एक खुली आज़ादी परमिशन जो हमारे लॉ के द्वारा दी गई लिव इन रिलेशनशिप के रूप में, एक वाहियात, बहुत घटिया और बहुत शर्मनाक ये लॉ है, सिस्टम है। मैं इसको बहुत बहिष्कार करती हूँ महिला होने के नाते, क्योंकि इससे क्या है कि बहुत गलत असर पड़ रहा है बच्चों पर। बच्चे जो हैं अब बस उनको क्या है कि अब घर वालों की बातों को भी नहीं मानते हैं, उनका कहना है कि भाई कानून ने हमको अधिकार दिया है। ये कैसा अधिकार है, क्या संस्कार हमारे कहाँ चले गए? अगर हम कल किसी से बात करते हैं, हैंडशेक भी करते हैं, अभी भी हमारे जो संस्कार परिवार है तो लड़की लड़कों इस तरह से ज़्यादा रहना मिलना जुलना गलत माना जाता है कि मर्यादा होती है और एक अच्छे परिवार की पहचान होती है लिमिटेड रिलेशन, और शादी के बाद वो चीज़ें बढ़ाती है। फिर शादी जैसी जो हमारे भारत में जो शादी जैसा एक सिस्टम है वो तो ख़त्म होता जा रहा है, और यही वजह है जो कोर्ट में और बहुत सारे जो तलाक के केसेस हो रहे हैं और ये सब जो घटनाएँ हो रही हैं और लिव इन रिलेशनशिप की वजह से। क्योंकि जो हम किसी एक रिश्ते में बंध कर जो हमारे प्यार और संबंध होता था, वो बाहर कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में कोई रिलेशन एक एक्चुअल नहीं है, वो बंदा 10 लोगों के साथ वो चीज़ें कर रहा है, लेकिन जब शादी है वो एक मर्यादा है परिवार के साथ। और लिव इन रिलेशनशिप खतरा बनता जा रहा है नौयुवाओं के लिए और हमारे शादी जैसे पवित्र बंधन के लिए। चैनल के जरिए आप देश के युवाओं को क्या कहना चाहेंगी, जो श्रद्धा के साथ हुआ, जो फिरोज के साथ हुआ, तो इस माहौल को देखते हुए युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं युवाओं को ये कहना चाहूँगी, वो अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं और क्राइम के साथ खड़े हों, क्राइम करने वाले की जात ना देखें। कल वो श्रद्धा के साथ हुआ, फिर सलमा के साथ हुआ, तो इसमें जातिवाद नहीं होना चाहिए, हमको मुजरिम की कोई जात नहीं देखना चाहिए। अगर उसने क्राइम किया है तो सबको एक साथ होकर, एकजुट होकर उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और अगर क्राइम कोई बंदा करता है तो उसको सजा देने का अधिकार कानून को है, न कि पब्लिक को है। पब्लिक को चाहिए कि कातिल के खिलाफ आवाज़ उठाए और कातिल के लिए सजा मांगे, ना कि आपस में हिंदू मुस्लिम करे, ना आप ये कि कभी कोई कभी श्रद्धा है तो कभी सलमा है, एक ना एक हम घटनाएं होती रहेंगी जब तक हम क्राइम के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे। और आपस में अगर लड़ते रहे तो इस तरह से जुर्म बढ़ता रहे, कभी किसी की बहन होगी सलमा तो कभी किसी की बहन श्रद्धा अगली भी हो सकती है। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूंगी
ये जो लिव इन रिलेशनशिप है इस चीज को खत्म करे और पूरी तरह से। और उन्होंने जो एक लॉ और बना रखा है कि शादीशुदा मर्द जो है शादीशुदा दंपत्ति अगर चाहें तो किसी के साथ वो बिना शादी के भी संबंध बनाकर रह सकते हैं और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो चल रहा है वो रह सकते हैं। लेकिन मैं इसका बहिष्कार करती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे भारत की संस्कृति वो जो पहले थी वो बनी रहे और ये अंग्रेजों का जो सिस्टम है इस चीज को खत्म करे, क्योंकि हमारा जो भारत है ये एक संस्कार देश माना जाता है, एक संस्कृति वाला देश माना जाता है और इस तरह से हमारे देश की संस्कृति खराब हो रही है और हमारे जो रिश्ते को जैसे बॉन्ड्स जो रिश्ते शादियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है इसमें आपस में जो कहते हैं उसकी ताकत।